न्यूज नशा, आदत हर खबर की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सीधे तौर पर राजनीति तो नहीं करता, लेकिन उसकी नर्सरी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से निकले नेता देश के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री और 16 राज्यों में राज्यपाल हैं। चुनावों में टिकट मिलना, मंत्री बनना या मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो, आरोप लगते हैं कि रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के हाथ में है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस की टॉप लीडरशिप के हालिया बयान साफ इशारा कर रहे हैं, इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक किताब में दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आरएसएस के कई नेताओं से अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन से व्यक्तिगत दूरी बनाकर रखी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब में बताया गया है कि संघ के नेताओं ने मदद के लिए इंदिरा गांधी से संपर्क किया और पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने उद्देश्यों के लिए इन संबंधों का इस्तेमाल भी किया। पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में दावा किया है कि आरएसएस ने पूरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के साथ मित्रवत संबंध रखा। चौधरी लिखती हैं, तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस ने कई बार उन्हें पत्र लिखा। कुछ आरएसएस नेताओं ने कपिल मोहन के जरिए संजय गांधी से संपर्क किया। अब 1977 में उन्हें ये देखना है कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है, लेकिन बहुत सतर्क होकर काम करना होगा। दावा किया गया है कि संघ ने इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में भी मदद की। चौधरी ने किताब में कहा, जिस तरह से आरएसएस नेता मदद के लिए उनसे संपर्क में थे, उन्होंने भी अपने हित के लिए संघ का इस्तेमाल किया, लेकिन सतर्कता पूर्वक संगठन से दूरी बनाए रखी। आरएसएस के विरोध के बावजूद आपातकाल में वे उसका समर्थन पाने में सफल रहीं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की नाखुशी का एहसास होने पर वे अपनी राजनीति का हिंदूकरण करना चाहती थी और जानती थी कि आरएसएस का मौन समर्थन या उसका तटस्थ रुख भी इसमें सहायक होगा। नीरजा ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के काम करने के तरीके का विश्लेषण उनके ऐतिहासिक महत्व के 6 फैसलों के आधार पर किया है। इन 6 निर्णयों में इंदिरा गांधी की आपातकाल के बाद 1980 में सत्ता में वापसी की रणनीति, शाहबानो मामला, मंडल आयोग, बाबरी मस्जिद की घटना, अटल बिहारी वाजपेयी की परमाणु परीक्षण की अनुमति और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका परमाणु समझौता शामिल है। किताब में दावा किया गया है कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी अपनी छवि को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी कांग्रेस का चेहरा हिंदूवादी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही थी। किताब में इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली के हवाले से कहा गया, आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में मदद की। बाली ने दावा किया वह जानती थी कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वे निजी तौर पर स्वीकार करती थीं, अगर आरएसएस ने समर्थन नहीं किया होता तो वह 353 सीट नहीं जीत सकती थीं। 1971 में से 1 सीट अधिक थी। उन्होंने कहा कि मंदिर बार बार जाने पर आरएसएस नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सीधे तौर पर राजनीति तो नहीं करता, लेकिन उसकी नर्सरी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से निकले नेता देश के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री और 16 राज्यों में राज्यपाल हैं। चुनावों में टिकट मिलना, मंत्री बनना या मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो, आरोप लगते हैं कि रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के हाथ में है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस की टॉप लीडरशिप के हालिया बयान साफ इशारा कर रहे हैं, इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक किताब में दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आरएसएस के कई नेताओं से अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन से व्यक्तिगत दूरी बनाकर रखी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब में बताया गया है कि संघ के नेताओं ने मदद के लिए इंदिरा गांधी से संपर्क किया और पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने उद्देश्यों के लिए इन संबंधों का इस्तेमाल भी किया। पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में दावा किया है कि आरएसएस ने पूरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के साथ मित्रवत संबंध रखा। चौधरी लिखती हैं, तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस ने कई बार उन्हें पत्र लिखा। कुछ आरएसएस नेताओं ने कपिल मोहन के जरिए संजय गांधी से संपर्क किया। अब 1977 में उन्हें ये देखना है कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है, लेकिन बहुत सतर्क होकर काम करना होगा। दावा किया गया है कि संघ ने इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में भी मदद की। चौधरी ने किताब में कहा, जिस तरह से आरएसएस नेता मदद के लिए उनसे संपर्क में थे, उन्होंने भी अपने हित के लिए संघ का इस्तेमाल किया, लेकिन सतर्कता पूर्वक संगठन से दूरी बनाए रखी। आरएसएस के विरोध के बावजूद आपातकाल में वे उसका समर्थन
पाने में सफल रहीं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की नाखुशी का एहसास होने पर वे अपनी राजनीति का हिंदूकरण करना चाहती थीं और जानती थीं कि आरएसएस का मौन समर्थन या उसका तटस्थ रुख भी इसमें सहायक होगा। नीरजा ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के काम करने के तरीके का विश्लेषण उनके ऐतिहासिक महत्व के 6 फैसलों के आधार पर किया है। इन 6 निर्णयों में इंदिरा गांधी की आपातकाल के बाद 1980 में सत्ता में वापसी की रणनीति, शाहबानो मामला, मंडल आयोग, बाबरी मस्जिद की घटना, अटल बिहारी वाजपेयी की परमाणु परीक्षण की अनुमति और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका परमाणु समझौता शामिल है। किताब में दावा किया गया है कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी अपनी छवि को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी कांग्रेस का चेहरा हिंदूवादी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही थीं। किताब में इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली के हवाले से कहा गया, आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में मदद की। बाली ने दावा किया वह जानती थी कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वे निजी तौर पर स्वीकार करती थीं, अगर आरएसएस ने समर्थन नहीं किया होता तो वह 353 सीट नहीं जीत सकती थीं। 1971 में से 1 सीट अधिक थी। उन्होंने कहा कि मंदिर बार बार जाने पर आरएसएस नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सीधे तौर पर राजनीति तो नहीं करता, लेकिन उसकी नर्सरी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से निकले नेता देश के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री और 16 राज्यों में राज्यपाल हैं। चुनावों में टिकट मिलना, मंत्री बनना या मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो, आरोप लगते हैं कि रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के हाथ में है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस की टॉप लीडरशिप के हालिया बयान साफ इशारा कर रहे हैं, इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक किताब में दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आरएसएस के कई नेताओं से अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन से व्यक्तिगत दूरी बनाकर रखी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब में बताया गया है कि संघ के नेताओं ने मदद के लिए इंदिरा गांधी से संपर्क किया और पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने उद्देश्यों के लिए इन संबंधों का इस्तेमाल भी किया। पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में दावा किया है कि आरएसएस ने पूरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के साथ मित्रवत संबंध रखा। चौधरी लिखती हैं, तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस ने कई बार उन्हें पत्र लिखा। कुछ आरएसएस नेताओं ने कपिल मोहन के जरिए संजय गांधी से संपर्क किया। अब 1977 में उन्हें ये देखना है कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है, लेकिन बहुत सतर्क होकर काम करना होगा। दावा किया गया है कि संघ ने इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में भी मदद की। चौधरी ने किताब में कहा, जिस तरह से आरएसएस नेता मदद के लिए उनसे संपर्क में थे, उन्होंने भी अपने हित के लिए संघ का इस्तेमाल किया, लेकिन सतर्कता पूर्वक संगठन से दूरी बनाए रखी। आरएसएस के विरोध के बावजूद आपातकाल में वे उसका समर्थन पाने में सफल रहीं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की नाखुशी का एहसास होने पर वे अपनी राजनीति का हिंदूकरण करना चाहती थीं और जानती थीं कि आरएसएस का मौन समर्थन या उसका तटस्थ रुख भी इसमें सहायक होगा। नीरजा ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के काम करने के तरीके का विश्लेषण उनके ऐतिहासिक महत्व के 6 फैसलों के आधार पर किया है। इन 6 निर्णयों में इंदिरा गांधी की आपातकाल के बाद 1980 में सत्ता में वापसी की रणनीति, शाहबानो मामला, मंडल आयोग, बाबरी मस्जिद की घटना, अटल बिहारी वाजपेयी की परमाणु परीक्षण की अनुमति और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका परमाणु समझौता शामिल है। किताब में दावा किया गया है कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी अपनी छवि को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी कांग्रेस का चेहरा हिंदूवादी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही थीं। किताब में इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली के हवाले से कहा गया, आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में मदद की। बाली ने दावा किया वह जानती थी कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वे निजी तौर पर स्वीकार करती थीं, अगर आरएसएस ने समर्थन नहीं किया होता तो वह 353 सीट नहीं जीत सकती थीं। 1971 में से 1 सीट अधिक थी। उन्होंने कहा कि मंदिर बार बार जाने पर आरएसएस नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।